कपड़े चाहे आप धोएं या आपकी वाइफ, आप अपनी वॉशिंग मशीन से चाहेंगे कि वो पानी भी सेव करे, इलेक्ट्रिसिटी भी और आपका टाइम भी, लेकिन एक ही वॉशिंग मशीन में इतनी सारी अच्छी चीजें ढूंढ पाना आज की डेट तक बहुत मुश्किल था, लेकिन आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी वॉशिंग मशीन बताऊंगा जिससे आप पानी भी सेव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी और आपके पैसे भी बचेंगे, क्योंकि मैं आपको बेस्ट वॉशिंग मशीन्स बताने वाला हूं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1, मेरा नाम है विनीत और आज की डेट में जो बेस्ट वॉशिंग मशीन है टॉप लोड में फुल्ली ऑटोमेटिक, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहा हूं 2022 की। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं 7 और 7.5 केजी दोनों टाइप की वॉशिंग मशीन्स के बारे में आपको बताऊंगा और उनमें कुछ मॉडल्स को आपको रेकमेंड करूंगा, लेकिन मैं आपको Amazon के बेस्ट सेलर्स रेकमेंड नहीं करता। मैं अलग अलग शॉप्स पे जाता हूं और सारी वॉशिंग मशीन्स को पहले खुद देखता हूं, चेक करता हूं और उसके बाद आपको रेकमेंड करता हूं। मैं कई ऐसे मॉडल्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता और वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के बहुत पॉपुलर मॉडल्स भी होते हैं। आपको मेरी वॉशिंग मशीन की रेकमेंडेड लिस्ट भी चेक करनी चाहिए, उसमें मैं वही मॉडल्स हमेशा रेकमेंड करता हूं जो आपको लेने चाहिए और जो नहीं लेने चाहिए मैं उसमें वो कभी इंक्लूड नहीं करता। और दोस्तों, मेरी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ आपकी वजह से होती है। जब आप मेरे दिए गए अफिलिएट लिंक से कोई भी मॉडल परचेज करते हैं तो बिना आपके प्राइस को ज़रा सा भी चेंज करे हुए इस चैनल की बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मदद होती है, जिससे हम इतनी मेहनत करके आपके लिए ऐसा कॉन्टेंट लेके आ पाते हैं। प्लीज मेरे लिंक्स को यूज करिएगा, लेकिन लिंक्स यूज करने से पहले आपको वॉशिंग मशीन्स के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूं जिससे आप हमेशा एक सतर्क बायर बनके एक अच्छी वॉशिंग मशीन अपने लिए ले पाएंगे। इन पॉइंट्स को देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि 7 या 7.5 केजी की वॉशिंग मशीन्स किन लोगों के लिए बेस्ट होती है। अगर आपकी फैमिली में 4 to 5 मेंबर्स हैं, आप 7 या 7.5 केजी की वॉशिंग मशीन लीजिए, आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी वॉशिंग मशीन को 75% से ज़्यादा भरना नहीं चाहिए, यानी नेवर लोड अ वॉशिंग मशीन मोर देन 75%। इस बात का ध्यान रखिए, आपकी वॉशिंग मशीन बहुत अच्छे कपड़े धोएगी। आपको एक ऐसी वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए जिसमें आपको स्टेनलेस स्टील ड्रम मिले, क्योंकि वो लाइट वेट भी होता है और स्टर्डी भी होता है और उससे आपको वॉश क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी भी मिलती है। लेकिन कुछ सस्ती वॉशिंग मशीन्स में आपको प्लास्टिक, चीप क्वालिटी प्लास्टिक ड्रम देखने को मिलेगा, उन्हें अवॉइड करें। अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक ड्रम, ऐसी मशीन आप ले सकते हैं। आप अपनी वॉशिंग मशीन पर जो स्टार लेबल देखते हैं वो रेटिंग्स हर 2 साल में चेंज होती हैं और वो इस साल भी 30 जून 2022 तक वैलिड हैं। आप अगर लेटेस्ट मॉडल को 1 साल पहले के मॉडल के साथ कंपेयर करेंगे तो उनमें मैकेनिकली कोई खास फर्क होता नहीं है। पावर कंजम्पशन में 5 या 6 यूनिट का फर्क होगा पूरे साल की पावर कंजम्पशन में, दैट्स अबाउट इट। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। लेटेस्ट मॉडल 3 या 4 थाउजेंड रुपीज़ महंगा होता है सिर्फ इसी वजह से। अपने पैसे को बचाइए और एक ऐसा मॉडल लीजिए जो आपको बहुत अच्छे फीचर्स दे, क्योंकि आप जो स्टार लेबल पे पावर कंजम्पशन देखते हैं वो एक्चुअल पावर कंजम्पशन नहीं होती, वो टेस्ट कंडीशंस में करी हुई यूसेज से आई हुई पावर कंजम्पशन होती है। इसलिए अच्छे मॉडल को चुनें। मैं आपको ऐसे ही मॉडल इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। आपको एक ऐसी वॉशिंग मशीन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए जिसका मेटल बेस हो, क्योंकि उसमें जंग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होगा और आपको अगर एक प्लास्टिक बेस की वॉशिंग मशीन मिलती है देन इट विल बी दी बेस्ट, क्योंकि वो हार्ड प्लास्टिक होगा, उस पर जंग नहीं लगेगा और आपकी मशीन सालों साल तक चलती रहेगी। लोगों के हिसाब से एक वॉशिंग मशीन की मोटर, लेकिन मेरे हिसाब से एक वॉशिंग मशीन में आने वाला पल्सेटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वॉशिंग मशीन का, क्योंकि वो घूम के आपके कपड़ों को इधर उधर ऊपर नीचे घुमाएगा और आपको अच्छी वॉश देगा। पल्सेटर अच्छा नहीं है या उसकी फंक्शनिंग अच्छी नहीं है तो वॉश क्वालिटी बिल्कुल बेकार आपको मिलेगी उसी वॉशिंग मशीन से। इसलिए एक अच्छी वॉशिंग मशीन लें जिसमें आपको बेस्ट पल्सेटर मिल रहा हो। डोंट वरी, यही मॉडल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप बहुत सारी मार्केटिंग टर्म्स सुनेंगे जैसे जिनी, एक्वा, पता नहीं क्या क्या, जैसे जिन आ गया आपकी वॉशिंग मशीन में और खुद कपड़े धोने लगा। ऐसा होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको मार्केटिंग गिमिक से बचना है और मार्केटिंग टर्म्स को समझने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है, क्योंकि मैं आपको हर फीचर डिटेल में समझाने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले हमने भी अपना होमवर्क किया। जो भी वॉशिंग मशीन के मॉडल्स मैं आपको इस वीडियो में आगे रेकमेंड करने वाला हूं, उन सभी के ब्रांड के कस्टमर केयर नंबर पे हमने फोन किया अलग अलग लोकेशन बताई और अलग अलग वॉशिंग मशीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताई, फिर उनका जवाब सुना। उस फीडबैक के बेसिस पे हमारी उनकी सर्विस को लेके क्या रेटिंग है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे आपको बहुत मदद होगी एक अच्छी वॉशिंग मशीन खरीदने में। लेकिन मैं आपको ये फिर भी बोलूंगा कि आप कितनी भी अच्छी वॉशिंग मशीन ले लें, कितनी भी अच्छी वारंटी उसके अंदर आपको मिले, आपको अपनी वॉशिंग मशीन के लिए एक अच्छा एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उसी से आपकी वॉशिंग मशीन हमेशा प्रोटेक्टेड रहती है और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी एक्सटेंडेड वारंटी ओरिजिनल पार्ट्स के साथ आपकी वॉशिंग मशीन को ठीक भी करती है। ये आपको गो वारंटी के किसी भी पैकेज में देखने को मिल सकता है। मैं उसका कोई एफिलिएट लिंक आपको नहीं देता, आप उसे कहीं से भी खरीदें और जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता खरीदें, लेकिन पहले दिन से अपनी वॉशिंग मशीन को पूरी तरह प्रोटेक्ट करके चलें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 7 kg की वॉशिंग मशीन के बारे में, और उसमें मैं सबसे पहले आपको रेकमेंड करूंगा पैनासोनिक का 7 kg 5 स्टार मॉडल, जिसमें आपको 400 वाट और 680 RPM की मोटर देखने को मिलती है। इस वॉशिंग मशीन में आपको 8 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं और स्टेनलेस स्टील ड्रम देखने को मिलेगा और उसके साथ आपको मिलेगा फजी कंट्रोल टेक्नोलॉजी। और इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप जितने भी कपड़े इस मशीन के अंदर डालेंगे उसके वेट के हिसाब से मशीन आपको कितना पानी उसमें आना चाहिए वो सजेस्ट करेगी, एंड इट्स अ वेरी स्मार्ट फीचर टू हैव। इसके अलावा आपको इसके ड्रम में मैजिक फिल्टर भी देखने को मिलेगा और उसे आप सिर्फ एक लिंट फिल्टर की तरह ही समझें, मैजिक कुछ नहीं है इसमें। पैनासोनिक की इस मशीन में आपको वन टच स्मार्ट वॉश देखने को मिलेगा और इस फीचर को यूज करते हुए मशीन अपने आप पानी, डिटर्जेंट और वॉश प्रोग्राम सिलेक्ट करेगी आपके कपड़ों के वेट के हिसाब से। ये सभी फीचर्स आपको एक एलईडी डिस्प्ले पे मिलेंगे जो आपको इस मशीन के ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन एक अच्छा फीचर जो इस मशीन में आपको देखने को मिलेगा वो है मेमोरी बैकअप। हमने अक्सर देखा है कि मशीन चलते हुए अगर लाइट चली जाए तो वापस आने पे मशीन ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाती है और दोबारा से वॉशिंग शुरू करती है, लेकिन इस मशीन में ऐसा नहीं है। आपको इसमें मेमोरी बैकअप मिलेगा और लाइट आने पे ये मशीन वहीं से शुरू होगी जहां से ये रुकी थी, एंड दैट्स अ गुड थिंग। आपको पैनासोनिक की इस मशीन के अंदर सॉफ्ट क्लोजिंग लिड भी देखने को मिलेगी, यानी धीरे धीरे अपने आप क्लोज होगी और उसके टूटने का खतरा बहुत कम होता है उससे। और पीछे की तरफ आपको इस मशीन में कॉर्ड वाइंडर भी देखने को मिलेगा। एक और शानदार फीचर है इस वॉशिंग मशीन का, वो है सेल्फ डायग्नोसिस, यानी अगर किसी भी टाइप की मशीन में प्रॉब्लम आई तो उसके डिस्प्ले पे एक एरर कोड शो होगा जिसे पढ़ के आप टेक्नीशियन को बुला सकते हैं और अपनी मशीन को जल्द से जल्द ठीक करवा सकते हैं। पैनासोनिक की इस वॉशिंग मशीन के नॉइज लेवल्स हैं 65 डेसिबल्स व्हाइल वॉशिंग एंड 73 डेसिबल्स व्हाइल स्पिनिंग, और ये मशीन 140 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम करती है पर वॉश प्रोग्राम, और ये मशीन वे करती है 31 kgs। पैनासोनिक आपको देता है 2 इयर्स की कॉम्प्रहेंसिव और 10 इयर्स की वारंटी ऑन दी मोटर, और आप इस मशीन को इस समय खरीद पाएंगे 16,800 रुपीज का, विच इज अ फैंटास्टिक प्राइस फॉर दिस काइंड ऑफ वॉशिंग मशीन। लेकिन लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं उन पे जाने से पहले आपको सबसे पहले मेरे प्रोज एंड कॉन्स सुनने चाहिए। सबसे पहले आपको इस मशीन के कॉन्स बताता हूं। ये मशीन अच्छी तो बहुत है लेकिन पानी थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम करती है, लेट्स से अबाउट 15 टू 20 लीटर्स मोर पर वॉश प्रोग्राम। मेरे हिसाब से अगर ये 120 125 लीटर्स पर वॉश प्रोग्राम यूज करती तो सभी और टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरह बहुत ज्यादा अच्छी होती। हैविंग सेड दैट, ये अगर आप बहुत बड़ा कॉन नहीं है जो आपके लिए होना नहीं चाहिए, तो आप इस मशीन को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत अच्छे वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं, इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है, ब्राइट है, आपको इसके अंदर सभी टाइप के फीचर्स देखने को मिलते हैं, सॉफ्ट क्लोजिंग लिड देखने को मिलती है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वॉशिंग मशीन दैट यू कैन बाय टुडे इन 2022। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? 16,800 रुपीज इज द प्राइस, गो एंड चेक इट आउट। बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे आती है सैमसंग की 7 kg 5 स्टार वॉशिंग मशीन, जिसके अंदर आपको 350 वाट और 680 आरपीएम की मोटर देखने को मिलती है। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको 9 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे और ये डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे चलने वाली वॉशिंग मशीन है। अब आप डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी सुन के तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे और आपको लग रहा होगा कि इन्वर्टर एसी की तरह इस वॉशिंग मशीन के अंदर भी जो मोटर है वो बहुत कम पावर कंजम्पशन के साथ आती है। सैमसंग का भी यही कहना है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप जब पावर फिगर्स देखेंगे तो आपको भी ऐसा नहीं लगेगा। इस वॉशिंग मशीन में आपको स्टेनलेस स्टील टब देखने को मिलता है, विच इज़ अ डायमंड ड्रम। अब डायमंड ड्रम का मतलब ये नहीं कि वो डायमंड का बना है, वो बना स्टेनलेस स्टील का ही है, लेकिन उसमें डायमंड डिजाइन दिया गया है, और वो इसलिए कि वो फ्रिक्शन पैदा करे और कपड़ों की मैल बहुत ज्यादा अच्छे से निकाल पाए, एफिशिएंटली निकाल पाए, और वो इजीली कर पाता है, एंड इट्स अ गुड थिंग टू हैव। एक जो अच्छी बात इस वॉशिंग मशीन में है वो है वॉबल टेक्नोलॉजी। अब वॉबल टेक्नोलॉजी एक फैंसी टर्म है जो सैमसंग यूज करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। इसमें लेफ्ट राइट अप एंड डाउन वाटर मूवमेंट होती है टब के अंदर, जिससे आपके कपड़े भी उसी डायरेक्शन में घूमते हैं, और इस तरह की धोबी पछाड़ से कपड़े तो अच्छे धुलते ही हैं। आपको इसमें ईज ऑफ फ्रीडम भी देखने को मिलेगी, जब आपको 5 वाटर लेवल सिलेक्शन देखने को मिलेगा इस वॉशिंग मशीन में, और इसमें आपको डिजिटल पैनल मिलता है मशीन के टॉप पे। एक और फीचर है सैमसंग की इस वॉशिंग मशीन का, वो है मॉनसून मोड। और मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं मॉनसून मोड का, मैं पिछले कई सालों से इसी के बारे में आपको बता भी रहा हूं अपने वीडियोस में कि ये एक स्पिन और रिंस का मोड है, यानी आपको बहुत सारे वॉशिंग मोड्स मिलते हैं, उसमें से एक मॉनसून मोड भी है, और उसमें कपड़े स्पिन और रिंस होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें स्पिनिंग स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है, जो आपके ज्यादा गीले कपड़ों को थोड़ा कम गीला करके बाहर निकालेगी, दैट्स इट। इसके अलावा आपको इस वॉशिंग मशीन में एक मैजिक फिल्टर भी देखने को मिलता है, लेकिन उससे आप किसी टाइप के मैजिक की नहीं, लिंट कलेक्शन की उम्मीद करें तो ही अच्छा होगा। अब एक और फीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस वॉशिंग मशीन में, और वो है एक्वा प्रिजर्व। इस वॉशिंग मशीन में जब भी कपड़े रिंस होंगे तो आप उस रिंस के बाद वाले पानी को प्रिजर्व कर सकते हैं और उसे नेक्स्ट वॉश में यूज कर सकते हैं, और इससे पानी की बचत होती है, और वो हम सबको करनी चाहिए। इसके अलावा आपको इसके अंदर इको टब क्लीन फीचर देखने को मिलेगा, जिसमें कपड़े धुलने के बाद वॉशिंग मशीन अपने आप टब को पानी से क्लीन करेगी, लेकिन ये डीस्केलिंग नहीं है, और कंपनी ये कहती है कि बिना किसी केमिकल के आपका टब बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आपको डीस्केलिंग 2-3 महीने में एक बार जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा आपको ऑटो रीस्टार्ट जैसा फीचर भी इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है। बेसिकली ये मेमोरी रिस्टोर फंक्शन ही है। आपको इसमें चाइल्ड लॉक देखने को मिलेगा और स्मार्ट चेक जैसा फीचर भी देखने को मिलेगा। स्मार्ट चेक आपको लगभग हर वॉशिंग मशीन में देखने को मिलेगा, अलग अलग नामों से, क्योंकि अगर किसी भी वॉशिंग मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके डिस्प्ले पे एक एरर कोड शो करने लग जाता है, लेकिन इस वॉशिंग मशीन में स्मार्ट चेक का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। आप सैमसंग की ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं इस वॉशिंग मशीन को, और एरर कोड आपके वॉशिंग मशीन के डिस्प्ले पे भी और आपके फोन के डिस्प्ले पे भी आ सकता है। इट इज अ गुड फीचर टू हैव। सैमसंग ने वॉशिंग के नॉइज लेवल्स को डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन स्पिनिंग के नॉइज लेवल्स हैं 60 डेसिबल्स, और ये वॉशिंग मशीन 169 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम करेगी पर वॉश प्रोग्राम, और ये वे करती है 30 kgs। सैमसंग आपको देता है 3 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव और 12 इयर्स की वारंटी ऑन दी मोटर, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आप इस वॉशिंग मशीन को खरीद पाएंगे 18,000 रुपीज का, बट मेरे प्रोज एंड कॉन्स सुनने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मत जाइएगा, वहां मैंने आपको इसके लिंक्स जरूर दिए हैं, लेकिन प्रोज सुनिए उसके बाद जाइएगा, लेकिन पहले कॉन्स। ये वॉशिंग मशीन अच्छी तो है, लेकिन पानी 169 लीटर्स पर वॉश प्रोग्राम यूज करती है, ये थोड़ा सा ज्यादा है मेरे हिसाब से, लेकिन अच्छे फीचर्स के अंदर आपको इसी पानी को सेव करने का तरीका भी बताया गया है, वो एक बहुत शानदार चीज है। इसमें आपको बहुत शानदार फीचर्स मिलेंगे। इसके नॉइज लेवल्स कम हैं, हाँ वॉशिंग नॉइज लेवल सैमसंग ने डिक्लेयर नहीं करे, लेकिन स्पिनिंग के नॉइज लेवल्स जो हमेशा ज्यादा होते हैं वो 60 डेसिबल्स हैं, विच इज वेरी वेरी गुड। इसके अंदर आपको 12 इयर्स वारंटी मिलती है, अच्छी टेक्नोलॉजीज मिलती है। व्हाट एल्स डू यू नीड। 18,000 रुपए का ये कॉस्ट करती है। अब जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक्स दिए हैं आपको। इसके बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे आती है IFB की 7 kg 5-star वॉशिंग मशीन, जिसके अंदर आपको 375 वॉट और 720 आरपीएम की मोटर देखने को मिलती है। IFB की इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको 8 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर आपको स्टेनलेस स्टील टब या फिर ड्रम देखने को मिलेगा, विच इज अ क्रेसेंट मून ड्रम। दोस्तों क्रेसेंट मून का मतलब सिर्फ ये है कि स्टेनलेस स्टील के ड्रम के अंदर एक हाफ मून डिजाइन करा गया होता है, जिससे एक टाइप का फ्रिक्शन पैदा होता है जब वो ड्रम घूमता है, और उस फ्रिक्शन से कपड़ों के अंदर छुपी हुई मैल बहुत इजीली निकल पाती है एंड इट इज अ गुड थिंग। एक और अच्छी चीज आपको IFB की इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिलेगी और वो है ट्राइएडिक पल्सेटर। दोस्तों आप किसी भी वॉशिंग मशीन के पल्सेटर को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे स्पोक्स होंगे। इस ट्राइएडिक पल्सेटर के अंदर जो 3 स्पोक्स हैं दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इसमें है कि इसके बीच में आपको जो स्क्रब मिलता है, यानी तीनों स्पोक्स के बीच में आपको 3 स्क्रब्स देखने को मिलते हैं। वो आपके कपड़ों को कॉन्टिन्यूसली रब करते जाएंगे या स्क्रब करते जाएंगे और उनमें से मैल निकलती जाएगी, और ये अच्छी वॉशिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक फीचर आपको और मिलता है IFB की इस वॉशिंग मशीन में और वो है एक्वा एनर्जी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्वा, जीनी, एनर्जी इन टाइप के फीचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इस फीचर से भी आप सिर्फ पानी और डिटर्जेंट को बहुत अच्छे से मिक्स कर पाएंगे वॉशिंग मशीन के लिए। क्या ये बेसिक काम नहीं होता किसी भी वॉशिंग मशीन का? इसके अलावा आपको इस वॉशिंग मशीन में स्मार्ट सेंसर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जो कपड़ों के लोड को अपने आप जज करके पानी के वॉल्यूम को अपने आप डिसाइड करेगी। अब एक और फीचर जो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस करता है इस वॉशिंग मशीन का वो है 3D वॉश टेक्नोलॉजी, और उसमें होता यह है कि पानी वॉशिंग मशीन के टब में 3 अलग अलग तरीके से आता है, जिससे एक टाइप का प्रेशर बनता है और वो प्रेशर बहुत अच्छी सफाई करता है। इसके अलावा आपको इस वॉशिंग मशीन में लिंट टावर फिल्टर मिलता है, जो कि बेसिकली लिंट कलेक्शन के लिए बना है, और ये वॉशिंग मशीन मेमोरी बैकअप के साथ आती है, यानी लाइट जाने के बाद जब वापस आएगी तो आपको इसमें दोबारा से मशीन रीस्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। मशीन खुद ब खुद वहीं से शुरू होगी जहां से बंद हुई थी। इस वॉशिंग मशीन के अंदर एक और बहुत शानदार फीचर है और वो है ऑटो इम्बैलेंस करेक्शन सिस्टम। जनरली हमने देखा है कि कपड़े धोते समय वॉशिंग मशीन में कपड़े कई बार एक तरफ हो जाते हैं और उससे वॉश क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आपको नहीं मिल पाती, लेकिन ये इम्बैलेंस प्रोटेक्शन जो आपको इस मशीन में मिलती है वो ऐसा होने नहीं देगी और कपड़ों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी पूरे टब में, एंड दैट इज वन वेरी गुड फीचर। इस मशीन के टॉप पे आपको एक LED डिस्प्ले देखने को मिलता है और ये एक हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के साथ आने वाली मशीन है, विच इज अनदर गुड फीचर। IFB की ये वॉशिंग मशीन 45 डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स देती है वाइल वॉशिंग और 60 डेसिबल्स वाइल स्पिनिंग, और ये यूज करती है 126 लीटर्स ऑफ वाटर पर वॉश प्रोग्राम, और ये मशीन वे करती है 35 kgs। IFB आपको देता है 4 ईयर्स की कॉम्प्रहेंसिव वारंटी विच इज सुपर कूल, 10 ईयर्स की वारंटी ऑन दी मोटर, लेकिन उससे भी ज्यादा एक और कूल चीज है और वो है 10 ईयर्स की स्पेयर पार्ट सपोर्ट जो आपको इस वॉशिंग मशीन पे देखने को मिलेगी। रिमेंबर गाइस, मैं आपको कोई भी टॉम डिक एंड हैरी वॉशिंग मशीन रेकमेंड नहीं करता हूं। उसका कारण क्या है? स्पेयर पार्ट सपोर्ट। आप आज मशीन लेते हैं और 5 साल बाद अगर आपकी मशीन खराब हुई और आपको स्पेयर पार्ट रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी और ब्रांड के पास अगर उसका स्पेयर पार्ट हुआ ही नहीं, व्हाट विल यू डू? आपके पैसे खराब। इसलिए मैं आपको जो वॉशिंग मशीन रेकमेंड करता हूं वो वही होती हैं जिसमें आपको स्पेयर पार्ट सपोर्ट लंबी ड्यूरेशन तक मिल सकती है। इस बात का आपको भी हमेशा ख्याल रखना है। आप इस मशीन को हमेशा खरीद पाएंगे 18,200 रुपीज के आसपास का। प्राइस कभी कभी चेंज होता है लेकिन ये इसका करेक्ट प्राइस है। इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेक करिएगा। लेकिन मेरे प्रोज एंड कॉन्स सुनने के बाद इस मशीन में जो सबसे बड़ा कॉन मुझे लगा वो ये है कि इसका स्मार्ट सेंस टेक्नोलॉजी बहुत शानदार काम नहीं करती। इसका मतलब ये कि मशीन बहुत अच्छे से ये जज नहीं कर पाती कि आपने कितने केजी कपड़े डाले हैं और उसके हिसाब से अपने आप पानी ले ले और उसे अपने आप ऑन कर दे। इफ़ दैट इज़ नॉट अ कॉन फॉर यू, और मेरे लिए भी नहीं है ये कॉन, तो आपको ये मशीन ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि इसके प्रोज की अगर मैं बात करूँ देन दे आर लोड्स। आपको इसके अंदर बहुत अच्छी पावरफुल मोटर मिलती है जो कि 720 आरपीएम पे काम करती है, विच इज वेरी वेरी गुड। आपको इसके अंदर लेस वाटर कंजम्पशन देखने को मिलती है, विच इज अगेन अ फैंटास्टिक थिंग। आपको इस पे बहुत ज़्यादा शानदार वारंटी पैकेज मिलता है, विच इज अगेन अ वंडरफुल थिंग। आपको ट्राइएडिक पल्सेटर देखने को मिलता है, आपको इतने अच्छे फीचर्स मिलते हैं। What else do you need? मैं बोलता ही रहूंगा क्या? अब जाइए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये मशीन वाकई बहुत अच्छी है। अब मैं आपको बताऊंगा 7.5 केजी वॉशिंग मशीन्स के बारे में और बेस्ट वॉशिंग मशीन्स इन इंडिया की मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे आती है LG की 7.5 केजी 5 स्टार वॉशिंग मशीन, जिसके अंदर आपको 340 वॉट और 700 आरपीएम की मोटर देखने को मिलती है। इस वॉशिंग मशीन में आपको 8 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे और इसमें आपको स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी मोटर में। और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मैं मान सकता हूं क्योंकि 340 वॉट की मोटर 700 आरपीएम पे काम कर रही है और नॉइज लेवल्स भी उसके कम हैं। यहां पे मैं मान सकता हूं कि स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इस मोटर में काम कर रही है। इस मशीन में आपको स्टेनलेस स्टील का ड्रम या फिर टब देखने को मिलेगा और ये टर्बो ड्रम है। दोस्तों, LG की वॉशिंग मशीन में टर्बो ड्रम का मतलब ये होता है कि पल्सेटर जिस डायरेक्शन में घूमेगा उसके अंदर वाटर स्ट्रीम बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन से आएगी, जिससे वॉश क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव होगी। आपको इस वॉशिंग मशीन में 8 वाटर लेवल सिलेक्शन देखने को मिलेगा एंड दिस इज अ गुड थिंग टू हैव। LG की ये वॉशिंग मशीन डिजिटल डिस्प्ले के साथ आती है जो आपको इसके टॉप पे देखने को मिलता है और आपको मेमोरी बैकअप जैसा फीचर तो इस वॉशिंग मशीन में मिलेगा ही। इस वॉशिंग मशीन में एक बहुत शानदार फीचर है और वो है ऑटो प्री वॉश। हम अक्सर अपने घरों में ज्यादा गंदे कपड़ों को पहले डिटर्जेंट के पानी में सोख करके रखते हैं और उसके बाद उन्हें वॉश करते हैं और यही होती है LG की वॉशिंग मशीन में ऑटो प्री वॉश फैसिलिटी। आपके कपड़ों को चाहे वो बहुत ज्यादा गंदे भी हों और चाहे वो कम गंदे हों, उन्हें आप ऑटो प्री वॉश कर सकते हैं एंड इट्स अ फैंटास्टिक फीचर टू हैव। ऑटो बैलेंस सिस्टम जैसा फीचर भी आपको इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिलेगा और उसका मतलब यह है कि ये वॉशिंग मशीन अपने ड्रम में एक तरफ कपड़ों को इकट्ठा नहीं होने देगी, हमेशा बैलेंस करके रखेगी, जिससे आपको हमेशा अच्छी धुलाई मिलेगी एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एक और बहुत शानदार फीचर आपको LG इस मशीन में देता है और वो है BMC मोटर प्रोटेक्शन। BMC प्रोटेक्शन का मतलब और कुछ नहीं, एक प्लास्टिक का कवर है जो मोटर के ऊपर चढ़ाया गया है LG की तरफ से और ये अच्छी बात है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इस वॉशिंग मशीन में स्मार्ट डायग्नोसिस भी देखने को मिलेगी और सैमसंग ऐप की तरह ही LG के अंदर भी आपको थिंक यू ऐप देखने को मिलेगी। उसे डाउनलोड करके अपनी मशीन को उसमें रजिस्टर करने के बाद आप उसमें स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर को यूज कर पाएंगे और अगर आपकी मशीन में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आई तो उस ऐप पे अलर्ट आएगा, जिससे आप अपनी मशीन को जल्दी ठीक करा पाएंगे। ये वॉशिंग मशीन 48 डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स के साथ आती है वाइल वॉशिंग एंड 74 डेसिबल्स वाइल स्पिनिंग। ये मशीन यूज करती है 155 लीटर्स ऑफ वाटर पर वॉश प्रोग्राम और वे करती है 32 केजीज। LG आपको देता है 2 इयर्स की कॉम्प्रहेंसिव और 10 इयर्स की वारंटी ऑन दी मोटर। ये वारंटी पैकेज तो बहुत अच्छा है लेकिन प्राइस बहुत अच्छा नहीं है, 21,000 रुपीज। हाँ जी, इस प्राइस में आप इस वॉशिंग मशीन को इस समय खरीद पाएंगे और मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस वॉशिंग मशीन को 21,000 रुपीज में खरीदें। मेरे प्रोज एंड कॉन्स बहुत ध्यान से सुनिए, उसके बाद जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे पॉइंट्स को समझने के बाद तब चेक करिएगा इस मशीन को। ये वॉशिंग मशीन 21,000 रुपीज में बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है। 19,000 अगर प्राइस होता या 19,500 प्राइस होता तो मैं इसे बहुत अच्छी मशीन कहता। अगर आपको उस प्राइस में ये मशीन मिलती है, ले लीजिए। लेकिन आपको दूसरी मशीन भी बताता हूं। LG की 7 केजी 5 स्टार वॉशिंग मशीन आपको 18,500 रुपीज के अंदर मिल रही है। आप 0.5 केजी के फर्क में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों पे करेंगे? आप उसे कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको LG के फीचर ज्यादा पसंद आते हैं तो। अब आपको बताता हूं इसके प्रोज। आपको इसमें अब सॉफ्ट क्लोजिंग लिड देखने को मिलती है जो पिछले 3 साल से आपको नहीं देखने को मिल रही थी। LG ने इस साल इस वॉशिंग मशीन में सॉफ्ट क्लोजिंग लिड दे दी। ये एक बहुत अच्छा फीचर है। आपको बाकी सारे वॉश फीचर्स अच्छे देखने को मिलते हैं लेकिन एक कॉन है इस 7.5 केजी के मॉडल का, वो है थोड़ी सी ज्यादा वाटर कंजम्पशन। अगर उसे आप थोड़ा अवॉइड करें तो ये वॉशिंग मशीन अच्छी है, लेकिन 7 केजी के अंदर ये कॉन नहीं है। आपको दोनों वॉशिंग मशीन्स के लिंक्स दिए हैं, दोनों के अंदर से सोच समझ के अपने लिए सही वॉशिंग मशीन लेने का फैसला करिए। बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे टॉप करती है व्हर्लपूल की 7.5 केजी 5 स्टार वॉशिंग मशीन, जिसके अंदर आपको 360 वॉट और 740 आरपीएम की मोटर देखने को मिलती है। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको 12 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे और ये 6th सेंस स्मार्ट सेंसर टेक्नोलॉजी के साथ आती है। दोस्तों सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार तरीके से इस वॉशिंग मशीन में काम करती है और वो अपने आप जज करती है कि अगर वोल्टेज लो आ रही है कि नहीं, आपने कितनी लॉन्ड्री डाली है यानी कितने कपड़े डाले हैं वॉशिंग मशीन में, पानी का प्रेशर कितना है और उसे कितना डिटर्जेंट चाहिए उन कपड़ों को प्रॉपरली वॉश करने के लिए। एंड दैट इज अ फैंटास्टिक फीचर इन एनी वॉशिंग मशीन दैट यू कैन गेट। इस वॉशिंग मशीन में आपको स्टेनलेस स्टील टब देखने को मिलता है ऑब्वियसली, एंड इट इज ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। और ये मशीन जीरो प्रेशर फिल टेक्नोलॉजी के साथ भी आती है। आप में से कई लोगों के घरों में पानी का प्रेशर बहुत कम होता है और आप मुझसे बार बार कमेंट्स में पूछते हैं कि कौन सी वॉशिंग मशीन आपके घर के लिए बेस्ट होगी, तो मेरा जवाब है ये वाली वॉशिंग मशीन, क्योंकि ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पानी के कम प्रेशर होने पे भी वॉशिंग मशीन में पानी को बहुत जल्दी भरेगी। इस मशीन में आपको मैजिक लिंट फिल्टर मिलता है, लेकिन एज यूजुअल मैं आपको यही कहूंगा किसी मैजिक की उम्मीद ना करें। ये फिल्टर लिंट को कलेक्ट कर सकता है, दैट्स अबाउट इट। जो और अच्छी बात इस मशीन में है वो है स्पायरो वॉश टेक्नोलॉजी और ये 20% फास्ट क्लीनिंग करती है, ऐसा वर्लपूल का कहना है। दोस्तों वर्लपूल के स्पायरो वॉश में कपड़े ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चारों तरफ घूमते हैं और उन्हें इस तरीके से घुमाया जाता है ड्रम में कि वो एक तरीके की धोबी पछाड़ बन जाते हैं और ज्यादा अच्छे और बेटर तरीके से साफ होते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड फीचर टू हैव इन अ वॉशिंग मशीन। आपको एक और फीचर मिलेगा इस वॉशिंग मशीन में और वो है एक्सप्रेस वॉश। ये एक वॉशिंग प्रोग्राम है जिसमें आपको थोड़े कम गंदे कपड़े अगर थोड़ी जल्दी धोने हैं तो वो आप कर सकते हैं और एक्सप्रेस वॉश से आपके टाइम, पानी और बिजली तीनों चीजों की बचत होगी। आपको वर्लपूल की इस वॉशिंग मशीन में हार्ड वाटर वॉश फीचर भी देखने को मिलेगा, लेकिन इस फीचर को यूज करने के लिए आपको वर्लपूल की इंस्टॉलेशन टीम से एक पर्टिकुलर अटैचमेंट खरीदनी पड़ेगी और वो अपनी वॉशिंग मशीन में लगानी पड़ेगी, जिससे अगर आपके घर में पानी हार्ड भी आता है तो वॉशिंग मशीन उसे अपने आप सेंस करेगी, उस फिल्टर के थ्रू उसे सॉफ्ट बनाएगी और उसके बाद वॉशिंग के लिए यूज करेगी। वर्लपूल की इस वॉशिंग मशीन में आपको ऑटो टब क्लीन फीचर भी देखने को मिलेगा। वॉशिंग के बाद ये मशीन टब को यानी स्टील ड्रम को ऑटोमेटिकली अपने आप क्लीन कर देगी, लेकिन किस पानी से? उस पानी से जो रिंस के टाइम यूज हुआ है, यानी पानी की वेस्टेज भी नहीं होगी और आपकी वॉशिंग मशीन हमेशा क्लीन भी रहेगी। इस मशीन में आपको डीले वॉश फीचर भी देखने को मिलता है, जिसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी मशीन को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी कन्वीनियंट फीचर टू हैव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इस वॉशिंग मशीन में जो कंट्रोल पैनल है वो अपर साइड पे मिलता है, लोअर साइड पे नहीं, जैसा आपको बाकी सभी मशीन में देखने को मिलेगा। इस मशीन की वॉशिंग के टाइम इसके नॉइज लेवल्स हैं 63 डेसिबल्स और स्पिनिंग के टाइम है 72 डेसिबल्स। ये मशीन 139 लीटर्स वाटर यूज करेगी पर वॉश प्रोग्राम और ये वे करती है 30 केजीज। वर्लपूल आपको देता है 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव एंड 5 इयर्स की वारंटी ऑन द मोटर। आई नो मोटर वारंटी थोड़ी कम है, लेकिन अगर आप इसका प्राइस सुनेंगे तो आप बहुत हैरान होंगे। 18,000 रुपीज के अंदर ये वॉशिंग मशीन आपको आज की डेट में कॉस्ट करेगी। आई नो आपका मन कर रहा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक्स को चेक करें और जल्दी से इस वॉशिंग मशीन को खरीदें, लेकिन जरा रुकिए। आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स तो बताऊं। ये मशीन बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर दो कॉन्स हैं। एक आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी मोटर वारंटी थोड़ी सी कम है, लेकिन आप उसे अच्छी एक्सटेंडेड वारंटी लेके बढ़ा भी सकते हैं। और दूसरा कॉन ये है कि इसके जो नॉइज लेवल्स हैं पर्टिकुलरली वॉशिंग के टाइम वो थोड़े से ज्यादा हैं, लेट्स से 2 और 3 डेसिबल ज्यादा हैं। अगर आप उसे भी इग्नोर कर सकते हैं तो आप जरा प्रोज सुनिए। ये वॉशिंग मशीन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वॉशिंग मशीन है, जिसके अंदर आपको वो सारे मॉडर्न डे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो किसी भी अच्छी वॉशिंग मशीन में आपको मिलने चाहिए। आपको इसके अंदर बहुत ही शानदार वैल्यू फॉर मनी मिलती है। एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि लेस वाटर कंजम्पशन। हाँ, ये मशीन बहुत कम पानी यूज करके बहुत अच्छी सफाई करती है। And these are the best pros that I could find in this washing machine. अब जाइए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस मशीन के लिंक्स आपको दिए हैं, डोंट मिस इट। 18,000 रुपीज एक बहुत शानदार प्राइस है इस मशीन का। इस वीडियो में मैंने आपको 5 वॉशिंग मशीन के बारे में बताया, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप उसी साइज की वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जिस साइज की वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं उस कैटेगरी में कौन सी मशीन को मैं रेकमेंड करता हूं? बहुत सिंपल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, VM1 रेकमेंडेड वॉशिंग मशीन लिस्ट को चेक करें, उनमें वो सारे मॉडल्स हैं हर टाइप की वॉशिंग मशीन के जिन्हें मैं रेकमेंड करता हूं, और एक भी वो मॉडल नहीं है जिसे मैंने देखा नहीं, चेक नहीं किया और जिसे मैं रेकमेंड नहीं करता। उसे देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी वॉशिंग मशीन रेकमेंड करता हूं और वो आपके लेने के लिए बिल्कुल सही होगी। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं वॉशिंग मशीन्स के बारे में या किसी और चीज के बारे में, तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में जो लाइक बटन के जस्ट नीचे है, और मैं आपका सवाल का जवाब बहुत जल्दी दूंगा। या फिर आप मेरी सोशल मीडिया पे आ सकते हैं और मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं आपको 48 आवर्स के अंदर आंसर करूंगा ही करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, लेकिन जाने से पहले आपको ये दो वीडियोज का सजेशन देके जा रहा हूं, इन्हें जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।